खम्मा गणी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं पाठक ब्लॉग्स में। सो गाइस, इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं सैम सैंड्यूज डेजर्ट सफारी के लिए, और लास्ट ब्लॉग में हमने कवर किया था कुलधरा द हॉन्टेड विलेज। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरा लास्ट वाला ब्लॉग देख सकते हैं। इस ब्लॉग में क्या खिचड़ी पक रही है, एक्चुअली हमारी गाड़ी फंस चुकी है डेजर्ट के अंदर, और हमने उसको निकालने में किसकी हेल्प ली, और हमारे साथ क्या हुआ, और नेक्स्ट हम अपनी लोकेशन पे कैसे पहुंचे, वो सभी देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को, स्टे ट्यून। अपनी गाड़ी फंस चुकी है डेजर्ट के अंदर। ओहो गाँव में घूम के जाने, तो ये रोड जा रहा है, कहीं भी आप जा सकते हैं। इस रोड पे कोई रोक टोक आपको नहीं है, कोई चीज देखे आगे 10-15-20-25 किलोमीटर चले आते। अच्छा, बाकी अगर पश्चिम में जाना है तो वहाँ हमारे सम से एक रोड जाता है आगे। अच्छा, उसपे भी आप थोड़ा हाइट बॉर्डर की तरफ जा सकते हैं। अभी अभी हाल फिलहाल दिन है। अच्छा, बाकी ये लोग इस जॉब से जुड़े हुए हैं, ये टूरिस्ट जो काम काज है। अच्छा, तो आगे बॉर्डर पे भी जा सकते हैं हम लोग? नहीं, बॉर्डर पे नहीं जाने देंगे। अच्छा, नहीं वैसे आपको अगर लोकेशन को देखना हो तो 8-10 किलोमीटर आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सब टूरिस्ट जुड़े हुए होटल है, ये तो सफारी के लिए कराते ना, सफारी वगैरह कराते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, मेहरबानी। ओके, तो जीप न। कोई भी आओ यहाँ संपर्क करना, मुख्तियार अली खान ओसिस कैम सम, नंबर 7023408621। ठीक है। सो गाइस, ये है हमारा आज का स्टे डेजर्ट के अंदर। ये वाला हमने कैंपिंग की है बुक, ये ओएसिस कैंप्स। अगर आप कभी जैसलमेर आते हो कैंपिंग करनी है तो यार ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा है। हमने 3-4 ट्राई किए थे, बट मेरे को उन सब में ये ओएसिस ही बेस्ट लगा है। इसके रूम्स भी अच्छे हैं और दूसरा इसकी सर्विसेज अच्छी हैं। अगर आप गो आई बी वो पर ट्राई करते हो तो आप चेक भी कर सकते हो इसके रिव्यूज़। तो इसलिए हमने फाइनली ये डिसाइड किया यार जैसलमेर आए हैं तो बेस्ट में ही रुकेंगे। अभी पहले जल्दी से चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें सफारी के लिए निकलना है और हमें देखना है सनसेट व्यू, और जल्दी आपको दिखाता हूँ सनसेट व्यू छोटे से ब्रेक के बाद। पहले एक बार रेडी होते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सनसेट है, कैमल है। सलीम भाई हमको आज जीप सफारी कराने वाले हैं। सलीम भाई हेलो कर दो हमारे यार यूट्यूब फैमिली। यार अपने तो पैर ही नहीं आ रहे यहाँ पे, पीछे करो सीट थोड़ी। अब ठीक है यार। मेरे को एक नई चीज़ पता चली है यहाँ पे आके, अगर डेजर्ट में आपकी गाड़ी फंस जाती है तो आप अगर उसके टायर्स की हवा थोड़ी कम कर लेते हैं तो वो गाड़ी निकल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपकी हवा फुल है गाड़ी के अंदर तो वो निकलने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो एक सजेशन है आप सभी के लिए, अगर आपकी गाड़ी कहीं भी डेजर्ट में फंस जाती है तो टायर्स की हवा थोड़ी सी कम कर लें और आप निकाल सकते हैं। अभी मैं
दिस इज द मैजेस्टिक डेजर्ट ऑफ इंडिया। दोबारा मिलेंगे ठीक है, और मैं तेरे को ये वाली कैब दे के जाऊंगा, प्रॉमिस करके जाता हूँ। चल थैंक यू सो मच। सो गाइज अब हो गया इस ब्लॉग को साइन ऑफ करने का टाइम। हमने आज पूरा दिन आज स्पेंड किया जैसलमेर में, हमने उसके बाद किया डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, जिसमें मैंने बहुत ही इन्जॉय किया यार। आई होप कि आपको भी पसंद आया हो ये ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर कर दो, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किस बात का है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। राजस्थान ट्रिप कंप्लीट नहीं हुई है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए।